हमने लिट्टी चोखा ऑर्डर किया था वो लग गई है, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम ताजा ताजा बनी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको खाने के लिए, थोड़ा मुंह में पानी भी आ रहा है। 20 वर्षों से ये लगाते हैं, अपने बच्चे को भी इन्होंने सिखाया। ये बनारस का रेलवे स्टेशन है, इसके जस्ट सामने लगाते हैं, और आज तक इनकी दुकान का कोई नाम नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है कि आप को अगर अपना ब्रांड बनाना है, लेगेसी बनानी है, तो आपको जो आपके अंदर क्रिएटिविटी मिली है, जो अच्छी चीज़ें मिली है, अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करें। जब आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करेंगे और आपके बच्चे, मतलब आपका टेस्ट आपके बच्चे उस टाइम पे कस्टमर को ट्रांसफ़र करेंगे, या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन जो होंगे जो बोलेंगे मेरे बाबा बनाया करते थे या मेरे बाबा किया करते थे, तो वो जाके फिर ब्रांड बनेगा, और फिर इनसे बड़ा कोई ब्रांड नहीं बनेगा लिट्टी चोखा के ब्रांड में। तो एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग प्लस कमिटमेंट। जो टाइम होता है वो टाइम, कमिटमेंट, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये तीन चीज़ें होती हैं जो आपको 20 सालों तक वही करवाए रखती हैं जो आप 20 साल पहले शुरू किए थे। बहुत कठिन रही होगी जर्नी, इतना आसान नहीं रहा होगा ना 20 सालों से लगातार लगाना। 50 साल वो बोल, हाँ 76 से, हाँ 76 से, हाँ स्टेशन नहीं बना था। अच्छा, तब से आप ये कर रहे हैं? हमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री थे, कमलापति त्रिपाठी की मूर्ति लगी। अच्छा, कमलापति त्रिपाठी की मूर्ति लगी हुई है सामने, तो कैसे मुख्यमंत्री थे वो? रेल मंत्री थे। अच्छा, रेल मंत्री थे। मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? याद है नहीं हमको। है तो आपने धूप, गर्मी, बारिश, ठंड, हर महीने, हर दिन, तो क्या सोच के आप हर दिन लगाते रहे? क्या सिर्फ पैसे के लिए? आदमी पैसा नहीं कमाएगा तो क्या कमाएगा? है, क्या खाएगा? तो जैसे मान लीजिए किसी दिन आपकी तबीयत लगा हो कि नहीं आज नहीं लगाना है, तो आपको याद आया हो कि जो खाने वाले लोग आएंगे ऐसे ही चले जाएंगे। इसके बाद हमारा भी तो धंधा ना है। हाँ, कमाना जब नौकरी नहीं है, है। माना तो थोड़े कर। तो नौकरी और धंधे में क्या अंतर है? आपसे बढ़िया कोई धंधा नहीं चला सकता, क्या अंतर है दोनों में? ये अंतर है कि ये राजा है, ये राजा है, सही बात है। तो इसमें थकान आपको नहीं लगती होगी ना? बहुत ज्यादा अपने मन का काम कर रहे हैं आप। अपने मन से खाना, अपने मन का करना है, नहीं सकता। तो ये जैसा कि आपने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ पैसे की नहीं होती, स्वतंत्रता की होती है। तो इन्होंने अपनी स्वतंत्रता चुना है, और भले ही ये ज़्यादा लेट नाइट काम कर रहे हैं और नंबर ऑफ आवर्स ये ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन खुश भी ये ज़्यादा हैं और बोल रहे हैं मैं स्वतंत्र हूँ, जिस दिन दिमाग खराब होगा नहीं लगाऊंगा ठेला। हालांकि रोज़ लगाते हैं।